रविवार को भाईंदर के कस्तूरी पार्क मैदान में महेश्वरी प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट खेला गया, जिसमें महेश्वरी समाज के 24 मेंस टीमों ने भाग लिया और 5 वुमेन्स टीम ने भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। महेश्वरी समाज द्वारा आयोजित इस प्रीमियर लीग का ये 5वां साल है। पिछले 2 साल से कोविड के चलते ये क्रिकेट लीग नहीं हो पाया था। MPL टूर्नामेंट में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रवि व्यास मौजूद थे, जिन्होंने महेश्वरी समाज द्वारा रखे गए इस टूर्नामेंट की सराहना की। देखिए, ये हमारे महेश्वरी युवा जिला के माध्यम से भाईंदर शहर के अंदर काफ़ी सालों से इस तरीके के टूर्नामेंट्स का आयोजन होता है। पिछले कोविड के 2 वर्षों से ये कार्यक्रम नहीं हुआ था, लेकिन आज आप देखेंगे कि करीबन यहाँ पे 25 मेल टीमों ने और करीबन 4 या 5 महिलाओं ने भी, महिलाओं की टीम ने भी पार्टिसिपेट किया और काफ़ी अच्छा उत्साह का वातावरण है यहाँ पर। और महेश्वरी समाज अपने आप के अंदर एक बहुत ही आदर्श समाज है और ये समाज जो है वो हर एक दिशा के अंदर अच्छा कार्य करता है, चाहे वो धर्म की बात हो, चाहे वो समाज सेवा की बात हो, चाहे वो खेल कूद की बात हो, चाहे वो शिक्षा, हेल्थ, हर क्षेत्र के अंदर महेश्वरी समाज सबसे आगे है। और उसी की कड़ी के अंदर आज युवाओं के लिए यहाँ पे इस तरीके का टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। और अपने आप के अंदर मैं देखता हूँ कि यहाँ पे जिस तरीके से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट डेवलप होती है हमारे युवाओं के अंदर, अपने आप में एक जीतने और हारने का एक जज्बा जो होता है वो यहाँ पे लोगों में तैयार होता है खेल के माध्यम से। और कहीं ना कहीं कोरोना के कार्यकाल के अंदर लोग घरों के अंदर बैठे बैठे मानसिक तनाव में आ गए थे, लेकिन आज फिर से खुले मन से यहाँ पे फिजिकली जब कोई गेम खेलते हैं, जब खासकर क्रिकेट खेलते हैं, तो मेंटल के साथ साथ में फिजिकल भी सुधार होता है। और अपने आप के अंदर काफ़ी अच्छा यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यहाँ पे हमारे साथ में भूतरा जी है, विट्ठल जी है, डागा जी है, यहाँ पे साडा जी, सभी यहाँ के जितने भी महेश्वरी समाज के अग्रसर, जितने भी हमारे प्रमुख पदाधिकारी हैं यहाँ पे उपस्थित है। समाज ने आज हमारा स्वागत किया और हमें आज इनके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं युवा जिला को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। रवि व्यास से जब पूछा गया कि क्रिकेट और राजनीति में क्या अंतर है, इस पर उनका मानना था कि राजनीति भी क्रिकेट से कम नहीं है और भाजपा आने वाले चुनाव में मास्टर स्ट्रोक लगाएगी। सर, राजनीतिक मंच पे तो आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हो, बहुत स्ट्रांग जा रहे हो, कभी रियल लाइफ में भी आपने इससे पहले क्रिकेट खेला है? अभी विट्ठल जी ने यही प्रश्न पूछा तो मैंने विट्ठल जी को बताया कि हमारा बचपन इस मीरा बंदर शहर की गलियों में और मैदानों में क्रिकेट खेल के ही गुजरा है। और कहीं ना कहीं ये जो क्रिकेट है, इसी की वजह से आज हम लोगों का एक कहीं ना कहीं जो यूनिटी और जो हमारे मित्र जो है, जो हमारा ग्रुप है, वो इस क्रिकेट खेलते खेलते हम लोगों ने जो दोस्ती और हार जीत जो सीखी है वो हम हमारे जीवन में भी उपयोग करते हैं। और आप देखेंगे कि तो राजनीति भी कोई क्रिकेट से कम नहीं है। तो आने वाले समय में आपका मास्टर स्ट्रोक दिखाई देगा? हाँ बिल्कुल, मीरा बंदर शहर की जनता है और पार्टी की इतनी बड़ी कार्यकर्ताओं की शक्ति है, तो आप हर रोज़ एक मास्टर स्ट्रोक देखेंगे। कृष्णा फाउंडेशन के चेयरपर्सन विट्ठल नवंधर के साथ साथ नगर सेवक दरोगा पांडे, महेश्वरी समाज के नटवर डागा, कोमल नवंधर, पवन सारडा और महिला टीम के विजेता MN स्ट्राइकर्स के कप्तान मोनिका काबरा से MPL क्रिकेट लीग के विषय पर बात की। देखिए, जो आज ये हमारा ये जो क्रिकेट महेश्वरी प्रीमियर लीग का जो आयोजन किया गया है, ये पहले हर वर्ष होता था कोरोना के पहले, लेकिन पिछले 2 सालों में कोरोना की वजह से हो नहीं पाया था, लेकिन आज ये फिर वापस से शुरुआत हुई है, जिसके अंदर के 24 टीम पुरुषों की टीमों ने और 5 महिलाओं की टीमों ने भाग लिया है। सुबह से प्रोग्राम हो रहा है और जो हमारे युवा संगठन के अध्यक्ष है पवन सारडा और इनकी टीम ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको आयोजन ये करते आ रहे हैं और करते आगे भी करते रहेंगे। आज का आयोजन बहुत ही भव्य था, तो मैं इसके लिए इनकी पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूँ। आपको बताना चाहूँगा, जिस तरह से इन्होंने प्रोग्राम आयोजित किया है जो क्रिकेट का, बहुत ही भव्य है, जो खिलाड़ियों में जो दिख रहा है जो उत्साह, मैं प्रार्थना करता हूँ कि यही जो उत्साह आगे बरकरार रहे और मैं
हमारा जो भारतीय जनता पार्टी जो है पूरा इनके टीम के साथ में हमेशा खड़ा था और खड़ा रहेगा। हमारे समाज के लोगों के अंदर जो भावना है वो ये रहती है कि या तो हम जीत रहे हैं हम या जीता रहे हैं, मतलब हारा रहे हैं या हार रहे हैं ऐसा कोई प्रयोजन ही नहीं है अपने पास। 24 टीम ने खेला मैच, कल्याण से लेके भिवंडी, गोरेगांव, अंधेरी, सब जगह की टीमों ने आया, तो उनका पॉइंट ये है कि या तो हम जीतेंगे या हम जिताएंगे। तो किसी टीम ने हारना है या हारे हैं ये तो सोचते ही नहीं है, हम लोग सब जीते हैं और या जिताए हैं, ये भावना के साथ हमारे समाज के बच्चे खेलते हैं। और समाज के बच्चों के अंदर बहुत ज़बरदस्त उत्साह रहता है, इनके मतलब इंतज़ार रहता है कि भाईंदर जिला युवा संगठन का टूर्नामेंट कब हो और कब हम अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। तो भाईंदर जिला युवा संगठन की पूरी टीम और माहेश्वरी मंडल युवा समिति की टीम दोनों ने मिलकर ये कार्यक्रम को बहुत ही भव्य रूप से सिस्टमेटिक ढंग से ऑर्गेनाइज़ किया, तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद। और समाज के लोगों का कि हाँ ये गेम सिर्फ बॉयज़ का समझा जाता था पहले, लेकिन आजकल वुमेंस भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, और जैसे स्मृति मंधाना ने आज नाम कमाया है क्रिकेट में, वैसे हमारे समाज की भी औरतें नाम कमा रही है इसमें। टूर्नामेंट्स में वुमेंस और मेंस दोनों ने पार्टिसिपेट किया है इस क्रिकेट टूर्नामेंट्स में। कितने टीम्स ने हिस्सा लिया था, कितने ओवर्स के मैचेस थे? टोटल मैं बताना चाहूँगा कि टोटल 24 मेल टीम ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिसमें भाईंदर, भिवंडी, बोरीवली, डोंबिवली, मलाड, सभी जगह से टीम्स आके इधर खेलती है, हर साल खेलती है। और 5 फीमेल टीम्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया, फीमेल टीम भी यहाँ पर गोरेगांव, भिवंडी, भाईंदर सभी जगह से आई, और मोर और लेस 350 के ऊपर प्लेयर्स और फुटबॉल 1000 के ऊपर। हमारे पूरे समाज का ये सबसे बड़ा टूर्नामेंट रहता है, सबको इसका पूरे जोश के साथ, उत्साह के साथ इसका इंतजार रहता है। मैं तो पूरी टीम को एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा, पूरी भाईंदर जिला, महेश्वर युवा संगठन और महेश्वर युवा संगठन युवा समिति को इसके लिए। सब टीम का इक्वल पार्टिसिपेशन था, बहुत अच्छा टीम वर्क था हम लोग का, सबकी फील्डिंग बहुत अच्छी थी, बॉलिंग वॉज वेरी गुड, बैटिंग टू वॉज वेरी गुड, तो इट वॉज अ टीम वर्क। बट वो ट्रॉफीज मुझे मिले तो उसका नहीं, हम लोग ये थर्ड ईयर है भाईंदर में जो हम लोग जीते हैं, ये कंटिन्यू थर्ड ईयर हम लोग जीते हैं। ये महेश्वरी प्रीमियर लीग मेंस टीम के मुकाबले में SDGH महेश्वरी ने पिच स्मैशर्स को हराकर MPL 5 का ट्रॉफी अपने नाम की। वहीं महिलाओं के टीम में MN स्ट्राइकर्स ने इनिंग स्टार को हराकर तीसरी बार MPL की ट्रॉफी पर अपना हक जताया।